गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डेवलपमेंट ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शक्ति के संसाधनों का विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। विकास के आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक अथवा भौतिक आधार ढांचे, जिसको हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसमें सिंचाई, शक्ति, परिवहन व संचार का प्रमुख स्थान होता है। इसको हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। और दूसरी तरफ सामाजिक आधारभूत ढांचे में शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान होता है। तो आज हम आर्थिक आधारभूत ढांचे के तहत शक्ति के साधनों का विकास किस प्रकार से हुआ है भारत में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक देश का विकास वहां की ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। कृषि, उद्योग, परिवहन आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साधनों में व्यावसायिक ऊर्जा कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत कोयला, बिजली और पेट्रोल आते हैं। बिजली दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है, जल विद्युत यानी हाइड्रल पावर जो जल से उत्पन्न की जाती है, और ताप या थर्मल, यह कोयला, पेट्रोल, गैस व परमाणु शक्ति से उत्पन्न की जाती है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा यानी नॉन कमर्शियल एनर्जी में गोबर, ईंधन की लकड़ी, कृषिगत व्यर्थ पदार्थ आते हैं। भारत में कुल ऊर्जा के आधे से अधिक भाग की पूर्ति व्यावसायिक ऊर्जा से होती है। आजकल ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के विकास पर काफी बल दिया जाने लगा है। इनमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, लकड़ी, गोबर गैस आदि आते हैं। इन्हें पुनः नया किया जा सकने के कारण ऊर्जा के नए किए जा सकने वाले स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यह देखिए, शक्ति के या पावर के विकास में हम बिजली के विकास पर हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और योजना काल में बिजली की पूर्ति में काफी वृद्धि हुई है, और हालांकि आज भी बिजली की पूर्ति इसकी मांग की तुलना में कम ही पाई जाती है। 1950-51 से लेके 2013-14 तक की अवधि में जो देखिए विद्युत की जो प्रतिस्थापित क्षमता का जो परिवर्तन है, देखते हैं उसे कि टेबल में हम देख सकते हैं 1950-51 में जो बिजली की प्रस्थापित क्षमता थी मेगावाट में वो 2300 मेगावाट थी, और वो ही 2016-17 में बढ़कर 377100 मेगावाट हो गई। यानी 1950-51 की तुलना में यह 2016-17 में 164 गुना हो गई है, लेकिन 1990-91 की तुलना में यह 5 गुना ही हो पाई है। और इसमें सार्वजनिक उपक्रमों यानी पब्लिक यूटिलिटीज तथा स्वयं के जो द्वारा सृजित की जाने वाले जो प्रतिष्ठान है, नॉन यूटिलिटीज हैं, दोनों की प्रस्थापित क्षमता शामिल की गई है। फिर सार्वजनिक उपक्रमों यूटिलिटीज द्वारा बिजली का जो सृजन है, जनरेशन है, काफी बदल गया है, जो कि हम दूसरे टेबल में देख सकते हैं। 1950-51 में उत्पन्न बिजली की मात्रा अगर हम देखें अरब किलोवाट घंटों में तो वो 5.1 थी, और 2016-17 में वो बढ़कर 1236.4 अरब किलोवाट घंटे हो गई। फिर 2016-17 में बिजली की देखिए उत्पन्न की गई मात्रा 1950-51 के मुकाबले अगर हम देखें तो वह 242.4 गुना थी, और 1991 के मुकाबले यह केवल लगभग 4.7 गुना थी। तो 2016-17 में कुल उत्पन्न बिजली में जल विद्युत का जो अंश है वो 10% था, और थर्मल व नवीकरण के लायक ऊर्जा का अंश 87% तथा परमाणु विद्युत का मात्र 3% था। और अगर हम यूटिलिटीज के जो सकल विद्युत शक्ति के सृजन में विभिन्न स्रोतों का अंश देखें, अगर हम 1991 में तीसरे आप टेबल में देख सकते हैं, और 2016-17 में हम देखें, तो जो निष्कर्ष निकलता है इस तालिका से वो ये है कि बिजली के कुल उत्पादन में 1990-91 में थर्मल का अंश 70.6% से बढ़कर 2016-17 में 87% हो गया, जबकि जल विद्युत का अनुपात 27.1% से घटकर 10% पर आ गया, और परमाणु विद्युत का अगर अंश देखें तो 2.3% से थोड़ा बढ़कर 3% पर आ गया। अतः पिछले वर्षों में बिजली के उत्पादन में
जल विद्युत का अनुपात काफी घट गया है और इस प्रवृत्ति के आगे जारी रहने की भी संभावना है। और इस शक्ति प्रणाली जो पावर सिस्टम के संचालन पर देखिए इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बिजली की मांग दिन के कुछ घंटों में सर्वाधिक होती है और कुछ घंटों में कम होती है। उन परिवर्तनों की व्यवस्था करना इस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो भारत में बिजली की खपत का एक तरह से हम देखें तो स्वरूप भी बदल रहा है। 1991 से लेकर 2010-11 की अवधि में कृषि में बिजली की खपत जो है वो 26.4% से घटकर 20.5% हो गई है। उद्योग में यह अनुपात कम हुआ है। घरेलू खपत का अनुपात 16% से बढ़कर लगभग 25.2% हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो है विद्युत का जो कृषि में और उद्योग में जो प्रयोग है उसमें उसके अनुपात में जो परिवर्तन है वो आप देख सकते हैं। योजना काल में देखिए अब हम देखते हैं बिजली के विकास के संबंध में कुछ उल्लेखनीय जो बातें हैं। तो योजना काल में देश में बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण की सुविधाओं में प्रगति हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से 12 के बीच में विद्युत क्षमता में विद्युत क्षमता के विस्तार का संशोधन लक्ष्य जो था वो 62374 मेगावाट था, जिसमें से 54964 मेगावाट क्षमता का विस्तार किया जा सका था। और 12वीं योजना के लिए क्षमता के विस्तार का लक्ष्य 88537 मेगावाट रखा गया था। बिजली के उत्पादन से संबंधित दो निगम राष्ट्रीय ताप बिजली निगम NTPC और राष्ट्रीय पन बिजली निगम NHPC की 1975 में स्थापना की गई और उसके बाद केंद्र ने ग्रिड प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया। फिर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड विद्युत प्रणालियों के समन्वित संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। सबसे पहला उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली रखा गया। फिर पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली रखा गया। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम रखे गए। और प्रत्येक क्षेत्र में 1964 में क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किए गए हैं। फिर क्षेत्रीय सहयोग रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो चूखा पन बिजली परियोजना जो है प्रोजेक्ट ये जो है भूटान में 336 मेगावाट प्रस्थापित क्षमता से इसको स्थापित किया गया और इससे संबद्ध ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी है और इस पर 244 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। यह भूटान की आंतरिक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलावा राष्ट्रीय पन बिजली निगम के माध्यम से भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी बिजली की आपूर्ति करती है। और ग्रामीण विद्युतीकरण की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY के अंतर्गत 31 जनवरी 2014 के अंतर्गत 161367 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 787513 BPL परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 12वीं व 13वीं योजनाओं में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की तरफ हस्तांतरित कर दिए गए हैं और सरकार ने 18452 गांवों को जो 1 अप्रैल 2015 को बचे थे उनको 1 मई 2018 तक विद्युतीकृत करने हेतु स्वीकार कर लिया था। फिर हम बिजली निगमों की या पावर कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो जो है सबसे पहले जो है आपका जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो आता है और इसमें यह नवंबर में देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की बात करें तो यह नवंबर 1975 में स्थापित किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य थर्मल बिजली घरों की योजना बनाना, उनको प्रोत्साहन देना तथा उनका समन्वित विकास करना है। वर्तमान में यह 10 बड़ी थर्मल विद्युत परियोजनाओं, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और गैस पर आधारित 5 परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। सुपर थर्मल पावर परियोजना इस प्रकार हैं: सिंगरौली, कोरबा, रामगुंडा, फरक्का, विंध्याचल, रिहान, कहलगांव, दादरी, तालचर और ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में। फिर गैस पर आधारित जो परियोजनाएं हैं वो है अंता राजस्थान में, फिर औरैया उत्तर प्रदेश में, दादरी उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में तथा गंधार
गुजरात में, फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC जो है वो नवंबर 1975 में स्थापित की गई ये भी, और यह जल विद्युत के विकास की योजना बनाता है। इसकी प्रमुख परियोजनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती, उड़ी और सलाल जो है, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में जो है, फिर नाथपा जाखड़ी बिजली निगम है NJPC, और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई, और यह केंद्र और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त उद्यम के रूप में हुई है इसकी स्थापना, और यह 6x250 मेगावाट बिजली परियोजना का काम इसको सौंपा गया था, और केंद्र और हिमाचल प्रदेश की 3:1 के अनुपात में भागीदारी है इसमें, और जाखड़ी में पावर हाउस और नाथपा में डिसल्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। और फिर है टिहरी जल विकास निगम, टिहरी वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यह 1988 को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया, और इसमें केंद्र व उत्तर प्रदेश का 3:1 के अनुपात में हिस्सा है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट है, और इसमें अन्य जो ये सब है आपका है, एक और जो है अन्य जो है निगम, उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है जो 1969 में बनाया गया है, दामोदर घाटी निगम है, पूर्वोत्तर बिजली निगम है 1976 में इसको स्थापित किया गया है। इन सबके नाम भी उल्लेखनीय है। अब हम देखते हैं कि विद्युत से संबंधित या पावर से संबंधित जो समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या क्या हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, देखिए राज्य का विद्युत बोर्डों का वित्तीय घाटा। तो देखिए हमारे देश में राज्य विद्युत बोर्ड जो है उनको प्रतिवर्ष घाटा उठाना पड़ता है, और राज्य की विद्युत वितरण व अन्य कंपनियों को होने वाला जो वित्तीय घाटों की राशि असहनीय सीमा तक पहुंच गई है, और उनके वित्तीय पुनर्गठन की योजना पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए घाटे का अगर मुख्य कारण देखें तो कृषिगत क्षेत्र तथा घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कम दर पर उपलब्ध की जाती है जो कि लागत से बहुत नीची होती है, और कृषक को विद्युत पर भारी सब्सिडी दी जाती है जिससे राज्य विद्युत बोर्डों को घाटा उठाना पड़ता है। सस्ती बिजली का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे सिंचाई में अधिक पानी दे दिया जाता है, पंप सेट खराब होने पर भी बिजली का व्यर्थ उपयोग होता है। इस समस्या ने काफी गुरु रूप धारण कर लिया है, ट्रांसमिशन व वितरण में बिजली नष्ट होती रहती है। इसके लिए कुछ तो बिजली की चोरी के कारण ऐसा होता है। इससे पूर्व में देखिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटे बढ़े हैं, जवाबदेही के अभाव में श्रमिक व अन्य स्टाफ में कार्यकुशलता का अभाव पाया जा गया है, फिर प्रतिवर्ष ट्रांसमिशन व वितरण में छीजत के कारण अरबों रुपए की हानि होती है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के घाटों को कम करने के लिए पूंजी ढांचे का पुनर्गठन किया जाना चाहिए तथा इन्हें स्वचालित कंपनियों का स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इन्हें बिजली की दरों में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। पिछले वर्षों में राज्य विद्युत बोर्डों के स्थान पर विद्युत क्षेत्र में कंपनियों की स्थापना की गई जो क्रमशः विद्युत सृजन, विद्युत प्रसारण, विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती है, लेकिन विद्युत के क्षेत्र में अभी भी घाटों की स्थिति जारी है। अब उदय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों ने डिस्कॉम कंपनी के बाकी कर्जों का एक अंश अपने ऊपर लेने का निर्णय किया है। राजस्थान सरकार ने 80530 करोड़ रुपए के बकाया का कर्ज 75% जो है अपने ऊपर लिया है, और विद्युत क्षेत्र में सुधार के प्रयास जारी किए हैं ताकि भविष्य में जो है इस क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ सके। फिर है ताप संयंत्रों का जो भार तत्व है, प्लांट लोड फैक्टर है, वो नीचा पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि देखिए थर्मल पावर संयंत्र उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे बिजली की लागत ऊंची आती है और परिणाम स्वरूप वित्तीय हानि होती रहती है, और इसको सुधार करने की जरूरत है। और फिर है विद्युत मिश्रण में जल विद्युत का अंश घट रहा है और थर्मल विद्युत का बढ़ रहा है, जो भी चिंता का विषय है, और इससे भी असंतुलन बढ़ रहा है। जल विद्युत के विकास पर अधिक ध्यान देकर इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और भारत सरकार विदेशी कंपनियों के सहयोग से देश में कई पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। महाराष्ट्र में एक गैस आधारित ढाबोल पावर प्रोजेक्ट अमेरिकन एनरॉन विकास निगम के सहयोग से स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई थी। इसकी क्षमता 2450 मेगावाट रखी गई थी, लेकिन यह परियोजना विवादों में उलझकर फिलहाल बंद है। और इससे हम देखिए ये जितना भी हमने एनालिसिस किया है उससे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि भारत में आगामी वर्षों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास करना होगा ताकि इसके अभाव को कम किया जा सके और बिजली की पूर्ति को मांग के अनुरूप जो है व्यवस्थित किया जा सके। अतः बिजली जैसे जो महत्वपूर्ण साधन है उसका विकास, सदुपयोग व संरक्षण पर
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकेगा और लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा किया जा सकेगा। थैंक यू।